तो दोस्तों बात करेंगे सीजीएल 2023 के बारे में और सीएचएसएल 2023 के बारे में। सीजीएल 2022 के अंदर 36,000 वैकेंसी थी और सीजीएल 2023 के अंदर दोस्तों 7,500 वैकेंसी टेंटेटिव बताई गई है एसएससी की तरफ से, जो कि आपकी 10,000 तक जो है हो सकते हैं पीएसए की वैकेंसी, जितनी इंक्रीज होंगी उनके ऊपर डिपेंड करेगा। वहीं सीएचएसएल 2023 के अंदर दोस्तों 1600 वैकेंसी हैं, जो कि 1800 से लेकर 1900 तक वैकेंसी पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस बार पीएससी की वैकेंसी को हटा करके सीजीएल के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि जो कैंडिडेट सीएचएसएल पास कर लेगा वो कैंडिडेट जो है सीजीएल के अंदर कंफर्म दोस्तों इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट जरूर हासिल करेगा, क्योंकि सीजीएल 2022 के अंदर 5,000 पोस्टें हैं इंस्पेक्टर की, 4200 प्लस में 4600 ग्रेड पे की 5,000 प्लस, और सीजीएल 2023 के अंदर भी जो 3,000 प्लस पोस्ट ऐसी हैं जिनके अंदर 4200 प्लस में 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। यानी कि सीजीएल 23 के अंदर भी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बनने का सपना आपका सही है, यानी कि उसके अंदर भी वैकेंसी आपकी ठीक ठाक है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों इसको अचीव करने के लिए आपको कितने मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट कितने लगाने पड़ेंगे, प्री के या मेंस के, कंप्यूटर कितना पढ़ना पड़ेगा और कब पढ़ना है आपने, और टाइपिंग के लिए दोस्तों क्या कुछ है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या उनको तो दोस्तों बहुत कुछ पता है कि मॉक टेस्ट वगैरह कितने लगाने होते हैं, कितने चाहिए होते हैं। ठीक है, फिर भी दोस्तों यानी कि जी तोड़ मेहनत करो, नौकरी पक्की मिलेगी आज नहीं तो कल। ठीक है, सीजीएल 22 वाले 24 और 28 वाले जरूर फाइट करेंगे सीजीएल 23 के अंदर इंस्पेक्टर की नौकरी लेने के लिए। ठीक है, तो आपसे उन कैंडिडेट को भी आपने पीछे छोड़ना है अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट, अपनी हार्डवर्क, वो जरूर काम आएगा, जो करेगा वो दोस्तों कन्फर्म लगेगा। तो दोस्तों बात करूंगा अगर मैं चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, 6 प्रैक्टिस सेट सोल्ड पेपर दिए गए हैं इस बुक के अंदर पुराने 2022 के, और 25 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, टोटल 2500 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चनों की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिया आंसर दिया खत्म, यानी कि ऑप्शन सिर्फ आंसर, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी किस तरह से उस क्वेश्चन को सोल्व किया गया, सारे लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जो है बेस है। ठीक है, सीजीएल 23 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टीयर 1 की दोस्तों ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, ये आप बुक लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डायरेक्ट परचेज करेंगे। ये ऑफलाइन बुक है जो यानी कि किताब है वो उसको खरीदना आपने। ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन किताब है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि जो भी मॉक टेस्ट लगाओ आप उसका एनालिसिस जरूरी है, कंपलसरी है कि हर मॉक का जो है एनालिसिस जरूर करना, क्योंकि अगर आपने मॉक लगा के छोड़ दिया तो दोस्तों उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो 14 जुलाई से आपका पेपर है सीजीएल का, तो यानी कि लगभग आपके पास 60 दिन जो है बचे हुए हैं, तो 70% जिसका सिलेबस हो गया तो उसको तो दोस्तों अल्टरनेट डे में अभी मॉक स्टार्ट कर देने हैं, वीक पे मॉक नहीं लगाना, अल्टरनेट डे में एक दिन छोड़कर एक दिन। 80% जिसका हो गया है चार इन वीक, यानी कि एक सप्ताह में 4 मॉक टेस्ट उसको जरूर लगाने हैं। जिसका 90% हो गया दोस्तों 5 इन ए वीक, यानी कि सप्ताह में 5 दिन तो उसको मॉक लगाने हैं। ठीक है, और 50% जिसका दोस्तों सिलेबस है उसको अभी वीक में 2 मॉक लगाने हैं, और 30% वाले को एक वीक में एक ही काफी है। ठीक है, तो यानी कि इनके लिए भी मॉक टेस्ट जरूरी ताकि पता लगता रहे, और प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट ज्यादा कामयाब होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इनको यहां पर जाना है। देखो, अल्टरनेट डे की मैं बात करूं दोस्तों, और जैसे कि एक अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ते हैं तो यानी कि 20 घंटे हो गए दो दिन में, तो एक मॉक टेस्ट करने में एक घंटा तो मॉक करने में लगा एक घंटे का, और एक घंटा एनालिसिस में, यानी कि इन 20 घंटों में से 2 घंटे तो आपने जरूर देने जिसका 70% सिलेबस हो गया है। जो कैंडिडेट यहां पर हैं उनको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना सबसे पहले, क्योंकि इन कैंडिडेट को उन कैंडिडेट से भी फाइट करनी है जिनका ऑलरेडी 100% सिलेबस भी हो चुका है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, हर चीज है उनके पास। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस को भी अच्छे से रगड़ो, यानी कि एकदम भगाना नहीं है, सिलेबस को खत्म करने की राह पर नहीं चलना, सिलेबस को अच्छे से करके उस राह पे चलना कि खत्म भी करना है। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट, जैसे किसी किसी का मान लिया मैथ ही वीक है या इंग्लिश वीक है, वकाय वीक है, तो सेक्शनल जो हम मॉक टेस्ट उस टाइप के लगा लें, मैथ्स के 2-3 चैप्टर उठाए उनका मॉक लगा लिया इस तरह से। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता कि कंप्यूटर और टाइपिंग का रोल भी जो है रहेगा, क्योंकि सीजीएल 22 के अंदर भी ये देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट को वैसे तो अच्छे मार्क्स हैं लेकिन कंप्यूटर में कम मार्क्स, उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारी पोस्टों के लिए वो इन एलिजिबल हो जाएंगे, वो एलिजिबल ही नहीं रहेंगे उन पोस्टों के लिए, वो सब कुछ उनके पास उम्र भी सही है सब कुछ सही है लेकिन कंप्यूटर में मार्क्स की, तो बहुत सारी सीजीएल 22 के अंदर 36,000 पोस्टों में से
23,000 पोस्टें ऐसी थी, यानी कि लगभग 60-65% पोस्टें ऐसी थी जिनके अंदर कंप्यूटर के मार्क्स जो हैं ज्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह 60% पोस्टों से आप बाहर हो जाएंगे, आपके पोस्टें ही कम बच जाएंगे, इनकी कंपटीशन आपके लिए और बढ़ जाएगा। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जिसके 125 प्लस नंबर बन रहे हैं आज के दिन, तो दोस्तों उसको कोई दिक्कत नहीं, वो टियर 1 का पेपर आसानी से पास कर लेगा, वो अपना कंप्यूटर और टाइपिंग को दोस्तों अभी से स्टार्ट कर दे। मेंस प्री के होने का वेट ना करें, प्री के रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी ना करें, फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। इन चीज़ों पे आप अभी से टाइम लगा दीजिए ताकि आपको जो है उसके बाद 390 नंबर का जो पेपर हुआ दोस्तों उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। SC ST दोस्तों, SC ST के जिसके 100 प्लस बन रहे हैं वो भी अपने टाइपिंग और कंप्यूटर की तैयारी स्टार्ट कर दें, ये प्री आसानी से कर लेंगे, ठीक है, ये कैंडिडेट की, तब तक इनकी और भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें दोस्तों आपने ध्यान रखनी है, इनका अच्छा खासा रोल आपके लिए रहेगा, ठीक है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं दोस्तों, आज CGL का जो है लास्ट वो है विंडो करेक्शन का, अगर कोई कैंडिडेट EWS कैटेगरी से है, CGL 23 का हो या फिर वो हो CHSL 23 का, उन दोनों के लिए ही ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वैलिड ईयर आपका रहेगा 2023-24, 1 अप्रैल 2023 के बाद बना हो, ठीक है, 8 लाख से नीचे उसमें इनकम हो और सेंटर गवर्नमेंट का हो, ठीक है। क्रूशियल डेट के बाद, मान लिया 3/5/2023 इसकी क्रूशियल डेट थी CGL 23 की, तो दोस्तों इसके बाद मान लिया आपका जो है 8 मई को बना, किसी का 9 मई को बना, तो दोस्तों ये भी अपना जो है EWS कैटेगरी से फिलअप कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। CGL 20 के अंदर नहीं कोई दिक्कत नहीं, CGL 21 के अंदर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, 2 साल से मैं देख रहा हूँ। बाकी दोस्तों जिसको अगर मान लिया फिर भी डाउट लगता है तो EWS से भाई UR कैटेगरी में चेंज कर ले, ठीक है, EWS से UR कैटेगरी में चेंज कर ले, माइंड पे टेंशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके पास ये है और अभी तक भी आपने नहीं बनवाया है और EWS से फिलअप कर रखा है तो EWS से ही रहने दो, अगर माइंड में ये लगता है कि नहीं दिक्कत हो जाएगी तो फिर आप UR से कर दो, क्योंकि UR में और EWS में लास्ट में 390 में से 10 नंबर का फर्क रहेगा। 10 नंबर का मतलब क्या है, 3 के क्वेश्चन, 3 से 4 के क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है, ठीक है। बाकी यार आपकी मर्जी है, और अभी तक दोस्तों अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपको एकदम सही इन्फॉर्मेशन देने की हमारी पूरी से पूरी कोशिश रहती है, और हर अपडेट आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल दोस्तों है ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल के नाम से। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।